वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने औरंगजेब की कब्र पर जाकर फूल चढ़ाए, जिसने एक राजनीतिक विवाद पैदा कर दिया। वंचित बहुजन आघाड़ी और शिवसेना गठबंधन को लेकर बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर सीधा निशाना बोला। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे से यह भी पूछा कि प्रकाश अंबेडकर की इस कार्रवाई में ठाकरे गुट की क्या भूमिका है। इन तमाम विवादों की पृष्ठभूमि में आदित्य ठाकरे से इस बारे में पूछा गया। इसके बाद उन्होंने जवाब दिया। आदित्य ठाकरे ने सुझाव दिया कि शिंदे समूह को वर्षगांठ मनाने के बजाय विश्व गद्दार दिवस मनाना चाहिए। दुनिया के 33 देशों में शिंदे गुट की गद्दारी दर्ज है, इसलिए उन्हें विश्व गद्दार दिवस मनाकर लोगों को दिखाना चाहिए कि उन्होंने कितनी बेशर्मी से विश्वासघात किया है। वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने औरंगजेब की कब्र पर जाकर फूल चढ़ाए, जिसने एक राजनीतिक विवाद पैदा कर दिया। वंचित बहुजन आघाड़ी और शिवसेना गठबंधन को लेकर बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर सीधा निशाना बोला। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे से यह भी पूछा कि प्रकाश अंबेडकर की इस कार्रवाई में ठाकरे गुट की क्या भूमिका है। इन तमाम विवादों की पृष्ठभूमि में आदित्य ठाकरे से इस बारे में पूछा गया। इसके बाद उन्होंने जवाब दिया। आदित्य ठाकरे ने सुझाव दिया कि शिंदे समूह को वर्षगांठ मनाने के बजाय विश्व गद्दार दिवस मनाना चाहिए। दुनिया के 33 देशों में शिंदे गुट की गद्दारी दर्ज है, इसलिए उन्हें विश्व गद्दार दिवस मनाकर लोगों को दिखाना चाहिए कि उन्होंने कितनी बेशर्मी से विश्वासघात किया है।